बिहार के मधुबनी जिले में नशे में धुत होकर के डॉक्टर के बेटे ने 6 लोगों पर कार चढ़ा दी। कार की चपेट में आने से 6 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि इन 6 लोगों में से एक शख्स की हालत गंभीर है। इस घटना के बाद से मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम है। लोगों ने किसी तरह कार को रोक लिया और ड्राइवर को पकड़ लिया। हालांकि कार में पिछली सीट पर बैठा युवक भागने में कामयाब रहा। घटना भेलवा चौक के नजदीक हुई है। लोगों ने बताया कि अनियंत्रित कार तेज गति से बालदीहा से शहर की ओर आ रही थी। इस दौरान सड़क पर आ जा रहे करीब आधा दर्जन लोग इस कार की चपेट में आ गए और जख्मी हो गए। लोगों ने यह भी बताया कि दरभंगा के डॉक्टर डीएन झा के बेटे अमित कुमार झा शराब के नशे में कार चला रहे थे। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर नियंत्रित किया और बड़ी मशक्कत से नशे में धुत युवक को भीड़ से निकालकर अपने कब्जे में ले लिया। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि अमित और उसके ड्राइवर ने नेपाल के इनवारा में शराब पी और इसके बाद भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया। ड्राइवर शराब के नशे में धुत होने के कारण गाड़ी नहीं चला पा रहा था, तब अमित खुद ड्राइव करने लगा। थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि जख्मी युवक मोहम्मद मुस्तकीन के बयान पर यह मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की पहचान दरभंगा निवासी डॉक्टर डीएन झा के बेटे अमित कुमार के रूप में की गई है। अमित को शराब के नशे में गिरफ्तार कर लिया गया है। वहाँ से गुजरने के बाद किसी को नहीं पूछा है, जबकि पूरा हम लोग लेवाने के लिए गाड़ी वाले को तैयार थे, एक बार भी नहीं पूछा है। यहाँ पे आके प्रशासन उसको बचा लिया के भाग किया है। थाना गाड़ी में कहाँ से कहाँ पे आपको मारा ठोकर? बल्डिया पुला में मारा है। कितने आदमी को मारा है? 3-4 आदमी को मारा है। गाड़ी में क्या आदमी था? गाड़ी में तो हम ध्यान दे इतना स्पीड में गया ना, एक रात बच गया ना, कमरा जी में हम गिरते हैं। अभी दो आए थे साथ और उसको भी बल्डिया पुला में मारा है। और कोई लोग है? और कोई भी है? इसको भी लगा देखे लगा दो, मेरा हाथ पूरा एकदम। देखिए क्या हुआ था, मैं जा रहा था, सीधा भाग गया।